कैसे हो मेरे भाइयों, मैं तुम्हारा भाई अर्श। और आप में से बहुत सारे लोग ना मुझे इंस्टाग्राम पे अपने क्वेश्चन पूछते रहते हैं, और खास करके उसमें स्किन रिलेटेड, हेयर रिलेटेड और जो ग्रूमिंग ब्यूटी रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं। तो आज का वीडियो अगर तुम लोगों ने देख लिया ना तो सही में करो, बहुत ज़्यादा तुम लोग को फायदे होने वाले। और वो भी आप लोगों को कुछ ऐसे प्रोडक्ट्स वगैरह या फिर कुछ कॉस्टली मैं तुम लोग को ऐसा नहीं बताने वाला हूँ, जस्ट आप लोग घर पे इसको ट्राई करके अपने आप को बहुत ज़्यादा डेवलप कर सकते हो। सही में कह रहा हूँ ब्रदर, मैं तुम्हें ना तुम्हारा बेस्ट वर्जन बना के ही रहूँगा, बस तुम लोग वीडियो पूरा देखना और उसको प्रॉपरली फॉलो करना। तो चलो यार वीडियो स्टार्ट करते हैं। अब सबसे पहले अगर मैं नंबर वन की बात करूँ तो वो है फेस रिलेटेड प्रॉब्लम्स। बिकॉज आप में से बहुत से लोग खास करके मतलब बोलते हैं कि भैया सन टैन हो गया, डल स्किन हो गई, बहुत ज़्यादा मतलब स्किन का जो टोन है हमारा पहले बहुत अच्छा था, अभी बहुत ज़्यादा खराब हो गया है, या फिर स्किन ग्लो नहीं करी। तो देखो मेरे भाई, बहुत ही सिंपल रेमेडी बताऊंगा, वो जस्ट आप लोग घर पे यूज़ करना और सही में एक वीक के अंदर ही आप लोगों को उसके रिजल्ट्स दिखना चालू हो जाएंगे। अब सबसे पहले उसके लिए आप लोगों को लेना है जो ग्राम फ्लोर होता है ना, जो मतलब बेसन बोलते हैं, वो लेना है। सेकेंड चीज़ आप लोग को थोड़ा सा राइस फ्लोर उसके अंदर ऐड करना है। ग्राम फ्लोर जो लिया है उसमें होता है टैन रिमूवल एजेंट, और जो हम लोगों ने राइस फ्लोर लिया है, ठीक है, चावल का आटा, उसके अंदर होता है ब्राइटनिंग, मतलब स्किन को ब्राइटनिंग करने में हेल्प करता है। उसके साथ आप लोगों को थोड़ा सा टर्मरिक लेना है, ठीक है, जो हल्दी बोलते हैं, जिसको आप लोगों को पता ही होगा मतलब जिसके फायदे। उसके साथ साथ आप लोगों को थोड़ा सा वहाँ पे हनी ऐड करना है, और चाहो तो आप लोग मिल्क या फिर योगर्ट दोनों में से कोई भी एक चीज़ ऐड कर सकते हो। और बस इसका मतलब पेस्ट बना के आप लोगों को पूरे फेस के ऊपर अप्लाई करना है। आप लोग नेक के ऊपर भी अप्लाई कर सकते हो अगर आप लोगों को मतलब नेक के ऊपर भी प्रॉब्लम है तो। और जस्ट मतलब आप लोग नहाने से डेली आप लोग कर सकते हो, कोई बात नहीं, एक बार आप लोग करो। जैसे आप लोग मतलब नहाने जाओगे उसके 30 मिनट पहले आप लोगों को इसको यूज़ करना है, एंड देन उसके बाद नहाते वक्त उसको वॉश करना है। और सही में कह रहा हूँ, ये आप लोग ज़रूर ट्राई करना और मुझे ज़रूर बताना। नंबर टू, बहुत सारे लोग हेयर रिलेटेड क्वेश्चन पूछते हैं कि भैया मतलब बहुत ज़्यादा हेयर फ्रीजी हो गए, ड्राई हो गए, बहुत ज़्यादा हेयर लॉस हो रहा है। देखो ब्रो, सबसे पहले अगर आप लोगों के हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है या फिर बहुत ज़्यादा ऐसे फ्रीजी है, बहुत ज़्यादा कर्ली है, और आप लोगों को उसको स्मूथ करना है ना, तो एक छोटी सी होम रेमेडी, आप लोग वीक में इसको एक से दो बार ज़रूर ट्राई करना। अब सबसे पहले आप लोगों को जो एग होता है ना, रॉ एग, वो पूरा ले सकते हो अगर आप लोगों के हेयर बहुत ज़्यादा ड्राई है। और अगर आप लोगों के हेयर ऑयली है तो आप लोगों को सिर्फ एग वाइट लेना है, ठीक है। तो जस्ट आप लोगों को उसको लेना है, उसके अंदर थोड़ा सा योगर्ट ऐड करना है, देन आप लोग ऑलिव ऑयल हो गया, या फिर आप लोग कैस्टर ऑयल या फिर कोकोनट ऑयल भी यूज़ कर सकते हो। चाहो तो आप लोग उसमें विटामिन ई का जो कैप्सूल आता है वो भी ऐड कर सकते हो, बट वो ऑप्शनल है, ठीक है। तीनों को प्रॉपरली मिक्स करना है, और जस्ट आप लोगों को प्रॉपरली स्कैल्प पे मसाज करना है, उससे जस्ट आप लोगों को पूरे हेयर पे वो लगाना है, और उसको वैसे ही जस्ट आप लोगों को 30 मिनट्स के लिए रहने देना है। उसके बाद आप लोगों को शैम्पू से अच्छे से उसको वॉश करना है। अब देखो, जो एग होता है ना उसमें होते हैं प्रोटीन, और ठीक है बेस्ट अमीनो एसिड्स भी होते हैं उसके अंदर, जो आप लोगों के हेयर के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ है, ठीक है। साथ ही साथ जो हम लोग ऑलिव ऑयल हो गया या फिर जो कैस्टर ऑयल हो गया, उससे आप लोगों का हेयर फॉल की प्रॉब्लम नहीं होगी, और योगर्ट से बालों में शाइन भी आएगी, और जो ड्राइनेस है ना वो भी आप लोगों का खत्म हो जाएगा। नंबर थ्री है, वो है हमारी बॉडी केयर। बिकॉज बॉडी केयर भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है, ऐसा नहीं कि सिर्फ फेस का ही हम लोग ख्याल रख रहे हैं। बिकॉज बहुत बार क्या होता है, बॉडी की स्किन बहुत ज़्यादा ड्राई हो जाती है, या फिर मतलब कहीं कहीं पे ऐसा सन टैन हो जाता है, मतलब जैसे कि हम लोग बहुत बार टी शर्ट पहनते, तो आप लोगों को पता होगा कि नीचे का मतलब पार्ट ब्लैक और ऊपर का वाइट, तो ऐसे सारी चीज़ें होती रहती है। देखो सबसे पहले तो ना एक सिंपल चीज़, जो कोकोनट ऑयल होता है ना, अब देखो कोकोनट ऑयल एक होता है और उसके साथ साथ एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल होता है, ठीक है। तो एक्स्ट्रा वर्जिन कोकोनट ऑयल आप लोगों को लेना है, जैसे आप लोग नहा के बाहर आते हो ना, तो थोड़ा सा मतलब 2 से 3 ड्रॉप्स लेके आप लोग को फेस के ऊपर या फिर पूरे बॉडी के ऊपर, नॉर्मली आप लोग जैसे मॉइस्चराइजर यूज़ करते हो तो वो आप लोग वहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। उसके साथ और एक चीज़ आप लोग मतलब डेली भी कर सकते हो या फिर 4 to 5 times भी कर सकते हो वीक में। तो क्या करना है, सबसे पहले तो जो राइस फ्लोर होता है, ठीक है, उसको लेना है। उसके साथ साथ उसके अंदर आप लोग को थोड़ा सा योगर्ट ऐड करना है, और चाहो तो आप लोग जो चंदन पाउडर होता है तो उसको भी ऐड कर सकते हो। और तीनों को प्रॉपरली मिक्स करके आप लोग को पूरे बॉडी पे हो गया, नेक पे हो गया, तो हैंड्स पे हो गया, एल्बो पे हो गया, प्रॉपरली आप लोगों को उससे मतलब थोड़ा सा प्रॉपर उसको लगाने के बाद, जैसे ही वो ड्राई हो जाता है उसके बाद आप लोगों को उसको वॉश कर देना है। अब उससे क्या होगा, जैसे आप लोगों के मतलब बॉडी के ऊपर टैन हो गया या फिर जो कुछ भी मतलब आप लोगों के प्रॉब्लम्स हो गए, तो वो 101% आप लोगों के प्रॉब्लम सारे वहाँ पे सॉल्व हो जाएंगे। नंबर फोर की जो चीज़ है वो भी आप में से बहुत सारे लोग पूछते हैं, वो है लिप केयर। अब देखो बता, सबसे पहले तो अगर लिप केयर की बात करूँ ना, तो बेस्ट चीज़ अगर मैं घर में ही मतलब आप लोगों को ट्राई करना है, ठीक है, आप लोगों के पास कोई भी प्रोडक्ट वगैरह नहीं या फिर आप लोग नहीं ले सकते,
तो आप लोग जस्ट जो मतलब काऊ का घी जो होता है, तो जस्ट आप लोगों को उसको लेके अपने लिप के ऊपर भी आप लोग यूज़ कर सकते हो, और ये चीज़ सही में बहुत ज़्यादा वर्क करती है। अगर आप लोगों के लिप बहुत ज़्यादा मतलब ड्राई हो जाते हैं तो उसके लिए ये बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। उसके साथ साथ बहुत बार क्या होता है, मतलब मैंने देखा है कि मतलब बीट रूट वगैरह जो मतलब कट करके लिप के ऊपर लगाते हैं। अब देखो ब्रदर, बीट रूट का क्या होता है ना, वो मतलब टेम्पररी ऐसा पिंकिश दिखाता है बट वो परमानेंट रिजल्ट नहीं देता। तो आप लोग जस्ट ट्राई कर सकते हो, बीट रूट भी मतलब बहुत ज़्यादा सही होता है बॉडी के लिए भी। तो जस्ट आप लोग को बीट रूट को प्रॉपरली छोटे छोटे पीसेस में कट करना है और उसको अप्लाई करते रहना है बस, तो वो भी बहुत ही ज़्यादा बेस्ट चीज़ है। उसके साथ साथ मैंने ये भी मतलब ट्राई किया था कोलगेट को लेके, तो मुझे इतना तो कुछ मतलब फ़र्क नहीं लगा था, जस्ट कोलगेट को पूरे लिप के ऊपर अप्लाई करना है और जैसे ही वो सूख जाता है तो उसको आप लोग प्रॉपरली रिमूव कर सकते हो, तो वो भी ठीक है, मतलब डेड स्किन वगैरह रिमूव करने के लिए आप लोग उसको यूज़ कर सकते हो। वीडियो को लाइक कर देना, जितना हो सके उतना शेयर कर देना, अगर नहीं हो तो सब्सक्राइब मार के बेल बटन ज़रूर प्रेस कर देना। इंस्टाग्राम पे फॉलो नहीं किया तो वहाँ पे भी जा, बहुत सारे लोग वहाँ पे कनेक्ट हो रहे, सही लगता है। तो ब्रो मिलते नहीं वीडियो में, तब तक के लिए बाय।